हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बनाने वाले पैनकेक्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है स्लर्फ फार्म का पैनकेक्स एंड वेफल मिक्स जो ब्लूबेरी फ्लेवर में है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में हाफ पैकेट मिक्सचर लिया है क्योंकि मुझे सिर्फ आयांश के लिए ही बनाना है। इसमें दूध ऐड करेंगे तो हमें इसमें धीरे धीरे दूध ऐड करना है। तो मुझे यहाँ पे हाफ कप से भी कम दूध लगा। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और स्मूथ बैटर बन जाए। अब हम इसमें घी ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें एग भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे घी डाला है। तो मैंने यहाँ पे 1-2 टेबल स्पून घी ऐड किया है। तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। और देखिए स्मूथ बैटर बन गया है। तो अब मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक तवा लिया है और उस पर मैंने 1 चम्मच बैटर डाला है। तो ये देखिए अभी बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब नीचे से अच्छे से सेक गया है। तो हम इसे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ब्राउन कलर आया है और उसकी स्मेल भी ब्लूबेरी की बहुत अच्छी आ रही है। और ये देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से पूरा अच्छे से सिक गया है। तो इसके बाद मैंने 2-3 छोटे छोटे पैनकेक्स और बना लिए फटाफट। ये इसमें जो दिख रही है वो ब्लूबेरीज है। और मुझे सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि इसमें मल्टीग्रेन्स है, मैदा नहीं है और रिफाइंड शुगर भी यूज़ नहीं किया है, उसकी जगह ब्राउन शुगर है। और ये जल्दी भी बन जाते हैं, 5-10 मिनट में आप बना सकते हैं। तो ये देखिए सारे पैनकेक्स बनके तैयार हो गए। तो अब हम प्लेटिंग करते हैं। अब मैं आयांश को बुला। मैं पैनकेक्स बनाने वाली हूँ। मैं पैनकेक पे बनाना रख रहा हूँ। अभी नहीं बना। मजा आ रहा है तभी। हाँ। खाना भी है बाद में। कैसे खाना? अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। आपने तो मस्त बनाया। ये पैनकेक बहुत अच्छा है। आप भी ट्राई करना।